केदारनाथ के डिवाइन एक्सपीरियंस के बाद हम निकल गए हैं बद्रीनाथ के लिए। वैसे हरिद्वार स्टेशन से भी डायरेक्ट बस अराउंड 700 में बद्रीनाथ के लिए जाती है, पर हम केदारनाथ से चले हैं इसलिए हमारा रूट रहेगा सोनप्रयाग टू बद्रीनाथ। देखते हैं कि बद्रीनाथ कितने बजे पहुंचते हैं, डिपेंड्स ऑन वेदर, बारिश कैसी है, मौसम कैसा है, ट्रैफिक कैसा है। और एक और प्रायोरिटी, केदारनाथ की तरह यहाँ भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अब कैसा सपोर्ट करता है यहाँ ईश्वर, वो अब देखेंगे। और गाड़ी में व्लॉगर भैया गाड़ी चला रहे हैं, ये रहे अंकल जी, उनको देख रहे हैं कैसे सब चला रहे हैं, प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। आंटी थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं, और ये गुंजा मैडम थोड़ा हेडेक है, और ये रहे हम, थोड़ा सा हमें भी हेडेक है, और ये हमारे मेन गाइड भैया बिशन भैया जो पूरा पीछे बैठ के इस क्रू को, टीम को और इस टूर को चला रहे हैं। इनके बिना ना हम खा सके, ना रह सके, ना कहीं जा सके। छोटे से ढाबे में जहाँ रुके हैं ना, हम ढाबा दिखा दूँ आपको, छोटा सा एकदम, ये रास्ता है अभी हमारा बद्रीनाथ जाने का। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि इस होटल के अंदर, ढाबे के अंदर और ढाबे के बैक में व्यू कैसा है। ये हमारे होटल की बालकनी, अगर कभी पहाड़ों का गढ़वाली खाना खाया हो ना, बहुत टेस्टी होता है। मैंने तो लाइफ में पहली बार खाया, शहर के मेट्रोपॉली खाने से ये खाना बहुत अलग होता है। शहरों की हवा नहीं लगी होती ना, शहरों का पॉल्यूशन और पॉपुलेशन नहीं होता है, तो बच्चे ऐसे भोले भाले होते हैं। देखो प्रियांशु इधर हाय कर दो, और ये खाना बना रहे हैं। देखो तो लंच हो गया है ये हमारे छोटे से ढाबे में, अब हम निकल रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमारे निकलते ही केदारनाथ धाम बंद कर दिया गया है। ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी, हमें कम से कम नीचे पहुंचने दिया, क्योंकि मौसम वहाँ बहुत बिगड़ गया है और अब वहाँ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अब केदारनाथ कोई आ जा नहीं सकता। हम बहुत सही समय पे नीचे आ गए, नहीं तो हम ऊपर फंस जाते, मौसम इतना बिगड़ चुका था। अब मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है ना बद्रीनाथ की ओर ही डाइवर्ट हो गई हैं, तो हम भी चल रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, हेलो, जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण इसलिए क्योंकि अभी मैं हूँ बद्रीनाथ के रास्ते, कल हम निकले सोनप्रयाग से यहाँ बद्रीनाथ के लिए, तो रात हो गई, बहुत थक गए थे और इतनी ऊंचाई थी, तो कैमरा वैमरा सब बंद करके गाड़ी में सो गए। रात को हम पहुँचे हैं एक होटल में, अभी रुके हुए हैं, नाइट स्टे किया, जोशीमठ से 12 किलोमीटर पहले, टोटल 55 किलोमीटर दूर अभी हम बद्रीनाथ से हैं। और आप देखिए मेरे पीछे क्या व्यू है, ये मेरे होटल की बालकनी का, ऊपर वाला मेहरबान है, जहाँ भी जा रही हूँ मेरे पास नदी और पहाड़ मेरे रूम से ज़रूर दिखते हैं। ये मेरे रूम की बालकनी, ये रूम हमें मिला था, सब तैयार हो रहे हैं। ये देखिए पहाड़ों पे जब सूरज की पहली किरण गिरती है तो कैसा फील होता है। बद्रीनाथ में कैसे दर्शन होंगे, एक्साइटमेंट है, आज क्या देखने वाले हैं, क्या अनुभव रहेगा, क्योंकि केदारनाथ का तो अनुभव इतना डिवाइन रहा है ना, इतना डिवाइन रहा है, ऐसी वाइब्स मैंने बहुत ही कम जगहों पर फील की है। और ये बद्रीनाथ जगह क्या है, मुझे इस जगह को समझना है, जानना, एक्सप्लोर करना है, तो आप भी चलिए मेरे साथ और एक साथ बोलिए जय श्रीमन नारायण। ये रूम था, ये प्रॉपर्टी मिली थी हमें, ऑन द वे प्रॉपर्टी थी ये बोर्ड,
ओके माना 61, बद्रीनाथ टोटल 57, जोशीमठ 13, तपोवन 30, और फिर यहाँ का व्यू देखिए। ऑन द वे जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हैं, अंकल कल हमने आपसे रूम लिया था, मेरे ख्याल से आप तो काउंटर पे बैठे थे इस होटल के, आप तो शायद ओनर, आप कौन है अंकल? मैं इस होटल का ओनर हूँ। आप इस होटल के ओनर हैं? जी। और आप क्या कर रहे हैं? मैं नालियाँ साफ कर रहा हूँ। सब यात्रियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इस तरह से गंदगी ना फैलाएं और तो यात्रा पे आते जो बद्रीनाथ की यात्रा में लोग आते हैं, मैंने देखी अभी तो बहुत सारा, मैं देख रही हूँ आपने उठा लिया वहाँ, तो आपने जो बाल्टियाँ भर भर के रखी हैं जी, तो मतलब ये इतना सारा लोग रोज छोड़ के जाते हैं? इससे भी ज़्यादा ज़्यादा, आज तो बहुत कम है, आज बहुत कम है, ये तो मैं रोज़ ही करता हूँ। अगर बुरा नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा भला तो कर सकते हो, बुरा तो तुम कर ही रहे हो, इस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो प्लास्टिक और ये कचरा डालते हुए, और बोलने के बाद तो कई लड़ने को भी आ जाते हैं। बहुत बुरी बात है, ये होटल के ओनर होके ये तीर्थ के, हम तीर्थ करने आए हैं और ये अपने होटल के बाहर आते जाती गाड़ियों का कचरा ये उठाते हैं। आधे किलोमीटर तक आप साफ करते हैं? मुझे ऐसा लगता है वही आदमी गंदगी करता है जो इन तीर्थों को अपना घर नहीं मानता है, केवल मौज मस्त। विदेशों में जाते तो वही लोग वहाँ कुछ नहीं करते। अंकल कह रहे ये डस्टबिन लगा रखे हैं चार, तो लोग इसमें नहीं डालते, लोग इतने लापरवाह बेपरवाह हैं, ऐसे सड़कों पे खा के छोड़ देते फेंकते। कितना है? कम से कम 2 क्विंटल, कम से कम कल ही रात का इतना हमने बाइक के। और ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, तपोवन जोशीमठ बद्रीनाथ। और इस रास्ते आप अगर कोई ऐसा सोचता है ना कि आप यहाँ से पुण्य कमा के जाएंगे दर्शन करके, कोई पुण्य नहीं प्राप्त होने वाला। अंकल ये शराब की बोतलें, आप एक नजर क्लोजअप में दिखाइए, बद्रीनाथ की जगह पर ये शराब की बोतलें, और बद्रीनाथ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। शराबी तो रोज की है, आज कल रात की है कहते हैं, ये कह रहे हैं ये रोज ऐसे होती है तो केवल कल रात की है, ये कल रात की है। मेरा ऐसे लोगों से सवाल है, जब आप लोगों को शराब पीनी है ड्रग्स लेनी है तो फिर यहाँ क्यों आना? दुनिया में इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप ये सब कर सकते हैं, इन तीर्थों पे ही क्यों, इस देव भूमि पर ही क्यों? हम जब से निकले हैं हमने पहली धूप देखी है, हमारे सारे कपड़े गीले हैं, और अब एक चट्टान मिली है, जब तक थोड़ा अंदर फ्रेश हो तो सोचा अब यही कपड़े सुखा देते हैं, पहाड़ों पे जीवन ऐसा ही होता है। आप सोच रहे होंगे एकदम ऊपर जाके क्यों सुखाएंगे, ऊपर की चट्टान है ना एकदम तपी हुई है, तो जब तक फैमिली चाय वाय पिएगी थोड़ा फ्रेश होगी जब तक फैमिली, तब तक तपी चट्टान पे कपड़े सूख जाएंगे। ए बच्चू बिस्किट खाएगा? बिस्किट खाएगा तो आ रहा है आज, आ जा बेटा आ जा। भैया पार्ले जी का बिस्किट है क्या? तो फ्रेंड्स अब जैसे भी कपड़े सूखे हैं ना, हम इसको लेके जा रहे हैं नीचे, क्योंकि ये बद्रीनाथ जाना है।
धाम प्रमाइसेस में एंटर कर चुके हैं। ये बस स्टैंड, टू व्हीलर फोर व्हीलर स्टैंड, ये ब्रास और पीतल है। खाना खाने के लिए कि देव पूजन में लगेगा? हाँ जी, भगवान की पूजा के लिए लगेगा। ओके, तब तो कुंड। और हम आ गए हैं पुल पार करके बद्रीनाथ टेम्पल, तप्त कुंड, चरण पादुका एंड बैंक। हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ में एक नियम है, वो नियम ये है कि तप्त कुंड में नहाना चाहिए। यहाँ पे एकदम खौलता हुआ गर्म पानी आता है, तो आप देखिए लोग कैसे नहा रहे हैं। और यहाँ पे स्नान करने के बाद फिर बद्रीनाथ के दर्शन करने होते हैं, इसे नारद कुंड भी कहते हैं। बद्रीनाथ में गर्म पानी के कुंड में स्नान करने से हर टाइप के स्किन डिसीजेस ठीक हो जाते हैं। इस तप्त कुंड का रहस्य कई साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने यहाँ तप किया था, इसलिए ये तप्त कुंड के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि उनके तप के रूप में ही आज भी उस कुंड में गर्म पानी रहता है। मुझे बताइए आंटी, आप क्या कर रहे हो? चावल की पोटली बनाई है। हाँ। और गरम पानी में डाला, ये पक के बाहर आ जाएगा। 5 मिनट में पक के बाहर आ जाएगा। देखिए भारतीय संस्कृति कितनी महान है, कितना खजाना इसमें छुपा हुआ है। और ऐसे में जब लोग कचरा डालते हैं ना, हाँ। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। बाकी सब बढ़िया है, केवल हमारे लोग थोड़े जिम्मेवार हो जाए। और ये चावल लगभग पक चुके हैं, तो आंटी निकाल रही है। मैं जाने से पहले एक बार चावल को देखना चाहती हूँ। आंटी थोड़ा चावल खोलिए ना, फिर आप भले पकाइएगा, एक बार मैं देख लूँगी कितने पकता है। अभी डाला है ना, तो भी अनुमान तो आ ही जाता है कितना पका। हाँ पहले से तो पक गया है, अभी आप रखेंगे तो एकदम पक जाएगा। तो स्नान हो गए कुंड में, बहुत ज़्यादा गर्म पानी था, एकदम खोलता हुआ गर्म पानी। ये पहाड़, बर्फीले पहाड़ों के बीच में ये कहाँ से गर्म पानी का स्रोत आता है, ये बहुत रिसर्च करने वाली बात है। वाटरफॉल ठंडिल, मौसम ठंडा, जैकेट पहनना पड़ रहा है, स्वेटर टोपा सब ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं। ऐसे में भी अगर कोई गर्म जल का स्रोत है तो ये कुदरत की और ऊपर वाले की महिमा नहीं तो क्या है। जय बद्रीनारायण। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं उन्होंने इस पवित्र स्थान में तपस्या की थी। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ में ठंड के दिनों में भी देवताओं द्वारा पूजा की जाती है। पुराणों में लिखा है कि बद्रीनाथ में 6 महीने मनुष्य पूजा करेंगे और 6 महीने देवता पूजा करेंगे। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर और दर्शन की तैयारी है बस हमारी, एटलीस्ट एंटर हो गए, लोग सुबह के लगे हुए हैं। बस बद्रीनारायण जी का भोग बनता है यहाँ पर, ये उनकी प्राचीन रसोई है। अब अंदर जाने वाले दर्शन करते हैं, अब फिर कैमरा नहीं चलेगा। देखिए ये रहा बद्रीनारायण जी का मंदिर, और यहाँ हम बैठे 3 महानुभाव। भैया जय हो आपकी। और ये भगवान बद्रीनाथ जी को जो भोग लगा
वो हमें कृपा करके मिला है। दिन में तीन बार चावल दाल का पूजा, दिन में तीन बार भगवान को चावल दाल का पूजा, चावल दाल का भगवान को दिन में तीन बार चावल दाल का भोग लगता है। बाहर आता है भोग, भोग लगने के बाद वो बाहर आता है। हमारे साथ एक बहुत टचिंग मोमेंट हुआ। मंदिर की सफाई करने के लिए पुलिस मंदिर परिसर से पब्लिक को बाहर निकालने लगी, पर मंदिर की शांति और डिवाइन वाइब्स इतनी स्ट्रांग थी कि हम बाहर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए हमने सफाई कर्मचारियों से मंदिर की सेवा करने की परमिशन मांगी और सफाई करने लगे। सफाई के दौरान हमें गिरे हुए पैसे, गोल्ड की ज्वेलरी, जो कुछ भी मिला हमने मंदिर समिति को दे दिया। जहां पब्लिक को 5 मिनट भी मंदिर में रुकने नहीं देते, वहां हम 4 घंटे रुके। जाने से पहले हम एक बार फिर मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए गए। पुजारी जी ने जैसे ही हमें देखा, पुलिस को कह के हमें भीड़ से निकाल नजदीक बुलाया और गर्भगृह की बिल्कुल चौखट पर बिठा दिया। उस वक्त जो बद्री नारायण की शक्ति और कृपा का अनुभव हुआ, मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। हमारी जरा सी सेवा का फल हमारे किए से भगवान ने बहुत ज्यादा दिया।